ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। इस ससुर पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोगों की हिफाजत के लिए। मगर क्यों? तुम्हारे साथी एक एक करके मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर प्रधान ने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी फौज लगा रखी है ताकि कातिल तुम तक पहुंचने की कोशिश करे और पकड़ा जाए। इस तरह से तो हम लोग बंदे बन के रह जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तुम्हें बाहर आने जाने की क्या जरूरत है? मैं जो हूं अंदर बाहर आने जाने के लिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं। रोक दे भैया, गाड़ी रोक दे, साले लंगोटी की तरह चिपके हुए हैं। नमस्ते बिहारी जी। कहा भाई दरोगा, ये सब कहा है? हमरे पीछे आ रहे हो कि पीछा कर रहे हो? न हम आपके पीछे आ रहे हैं, न ही आपका पीछा कर रहे हैं। ये इंतजाम तो आपकी हिफाजत के लिए है। हमारी हिफाजत का है भैया? इंस्पेक्टर प्रधान का हुक्म है कि हम आपको अकेला ना छोड़े, आपकी जान को खतरा है। चल भैया, दिल्ली रास्ता काट गई। मामा यहां भी पुलिस? दरोगा जी, ये सब कहा है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी, ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल होगी होती है। का मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है, बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आपका खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं? भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुजरिम को। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए तो ये जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न डरो भाई, उधर हमरे अखाड़े पे पहरा, इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा, उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपनों में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा, जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। क्या तकदीर है भाई, पहले स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल क्रीड़ा कर रहा है। मामा जी, जोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। भैंसा कहाँ गया भाई, मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? है?
ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने आप को खतरे में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर होता है तो हो जाए। अभी भी उन दो हरामजादों की गर्दनें मेरे हाथों से दूर है, समझ में नहीं आता उन दो सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाला जाए। इसकी तरकीब भी मैंने निकाल ली है बेटे, मेरे पास वो बीन है जिसकी आवाज तो क्या, उसकी शक्ल देखते ही वो दोनों बिलों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूं किसकी इजाजत से आपने इस कंपटीशन का ऐलान किया? शहर की तमाम दीवारों पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। दरोगा जी, तुम शकल से तो इतने बुड़बक नहीं लगते जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भैया, हम तो दिन रात तुम्हारी नजर के पहरे में हूँ, हम कैसे पोस्टर छपवा कर लगा सकता हूँ? ये ससुरा कंपटीशन कैसे लड़ सकता है? ये तो हमारे स्कूल का विद्यार्थी है ही नहीं, ये तो राजू है। ओ राजू। हाँ। I see। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। बिहारी जी, आप एक काम कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारियां शुरू कीजिए। राजू को गिरफ्तार करने के लिए आपके अखाड़े से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। नीचे रखो। क्या हो गया? शर्म नहीं आती का? इधर तुम शराब पी रहे हो और उधर प्रधान हमारा खून, पुलिस वाले होकर राजनीति खेलते हो। बोले नहीं ना, हम भी बिहार का हूँ, यूपी बिहार में बच्चा माँ की कोख से राजनीति सीख कर निकलता है। ऐसा राजनीति पैतरा लगाऊंगा कि तुम्हारा प्रधान प्रधानी भूल जाएगा। मतलब नहीं समझा। जब अकल बट रही थी तब हफ्ता लेने गया था तू, ये ले और मेरी बात गौर से सुन। हाँ, तूने कहा था ना राजू की माँ डॉक्टरनी के पास है, उठाला साली को, और उसका लौंडा है ना, उसको अखाड़ा पहुंचने से पहले ही नरक पहुंचा दिया। उसकी माँ अखाड़े में राख डाल कर गई थी, हम उनके चरण कमलों में उसके बेटे की लाश अर्पण करेंगे। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया, मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं, तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया।